ओ भाई साहब यार, ये क्या बना दिया यार, ये क्या बना दिया भाई। हाँ, मैंने कल की मूवी देख ली, और कल की मूवी के अंदर हमें जो भी चीज देखने को मिल रहा है ना भाई, वो काफी ज्यादा गूज बम क्रिएट करने वाला था भाई। मैं अच्छे से इसके ऊपर बात करूंगा, पर स्पॉइलर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में जितने भी एक्शन सीक्वेंस को देखने को मिल रहे हैं ना हमारे, वो काफी गूज बम क्रिएट करने वाले थे भाई। जिस हिसाब से दिखाया गया था ना यार, वो काफी मजेदार सीन लगे मुझे भाई। सही में बात इसकी हो गई, और भाई इसके अंदर VFX, हाँ भाई वही इसकी जान लगती है, वो काफी ज्यादा मजा दे करके जाती है भाई। लेकिन हाँ, कुछ कुछ सीन में ऐसा लगता है कि और अच्छा सुधारा जा सकता था, लेकिन इसको नजरअंदाज कर दोगे तो भाई माइंड ब्लोइंग मूवी थी यार। बात इसकी हो गई। दूसरी चीज भाई, इसके कैरेक्टर के बारे में बात कर लूँ। हाँ भाई, जो कैरेक्टर को देखने को मिलता है, जिनकी एक्टिंग देखने को मिलती है, मेरे को प्रभास की एक्टिंग भाई ठीक तो लगी, लेकिन कुछ ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लग रही थी। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँ कि बाहुबली में जो हमने उनकी एक्टिंग देखी थी, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एक्टिंग नहीं करी भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था खुद। लेकिन इतना बोलूँ कि हाँ भाई, हमारे अश्वत्थामा का रोल भाई, जिस हिसाब से लिखा है ना उनके रोल को, यानी अमिताभ बच्चन ने जिस हिसाब से प्ले किया है ना भाई, वो काफी गूज बम क्रिएट करने वाला था भाई। और दूसरी चीज भाई, इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर की एक्टिंग काफी अच्छी लगती है, और काफी मजा भी देकर के जाती है। लेकिन एक चीज मैं अभी ये बता दूं कि इसके अंदर जो भी चीज हमें देखने को मिलने वाला है ना भाई, वो थिएटर के अंदर तुम जब एक्सपीरियंस करोगे ना, तुम्हारे हर एक सीन के अंदर गूज बम पक्का क्रिएट होंगे। बात इसकी हो गई। दूसरी चीज भाई, इसके अंदर सबसे बड़ी जान मैंने जैसे बताया आपको VFX है, और सही में वही सबसे बड़ी जान है भाई, वही पूरा का पूरा मूवी को और ज्यादा पोटेंशियल बना देती है। क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि इसके अंदर सिर्फ 600 करोड़ लगे हैं, ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर और भी ज्यादा पैसे फूके गए हैं, सही में ऐसा लगता है। और भाई थिएटर के अंदर जो भाई भाई जितनी भी ज्यादा शोर मचाया जा रहा था भाई, डायलॉग भी नहीं सुनाई दे रहे थे आगे, कि भाई बंदा बोल क्या रहा है भाई, लोग चिल्ला रहे हैं प्रभास के हर एक सीन पर चिल्ला रहे हैं लोग। और सही में मैं जान गया कि भाई प्रभास के कितने भी कट्टर फैन हो, वो भाई इंजॉय पूरी तरीके से करके आए भाई। मैं भी काफी ज्यादा इंजॉय किया, और भाई अगर जा रहे हो तो 3D में जाके जरूर देखना, वो काफी और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बात इसकी हो गई। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं भाई, जो भी इसका हिंदी डबिंग है, हाँ भाई हिंदी डबिंग है, मैं उसको ज्यादा ओवरऑल अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हाँ भाई देखने लायक था, और काफी मजा भी दे करके जाता है, ठीक है। बात इसके अब इसके यार थोड़े नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लें, जो कि जैसे मैंने बताया कि मुझे प्रभास की एक्टिंग इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगी, जो कि पहले के टाइम पे वो काफी अच्छी एक्टिंग करता है, जैसे बाहुबली के टाइम पे भाई भाई माइंड ब्लोइंग एक्टिंग जो करी थी, लेकिन इसमें ऐसा पोटेंशियल लग ही नहीं रहा था। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बस प्रभास की एक्टिंग भी काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन एक चीज और बता दो भाई, नागरशीन को मैं सही में मान गया यार, उन्होंने जो हर एक डिटेल को सही तरीके से लगा करके दिखाया है ना, दिल खुश हो जाता है यार, सही में काफी मजा देकर के जाती है भाई। कुछ कमियां भी हैं जो कि मैं अच्छे से बातें करूंगा बाद में, क्योंकि भाई स्पॉइल नहीं करना चाहता मैं कोई मूवी को लेकर के। लेकिन इतना बोलूं भाई, तुम भी स्पॉइल मत होना, अभी जाके मूवी थिएटर में एंजॉय करो, और काफी बड़ा एक्सपीरियंस देकर के जाएगी आपको इंडियन सिनेमा के अंदर भाई, सही में काफी मजा आया देखने में। तुम अपने कमेंट्स में बताओ कि तुमने ये मूवी देख ली तो तुम्हें कैसे लगी, और तुम इसके लिए कितना एक्सपायर हो चुके हैं सब सुनने के बाद, और जाके कब देखने वाला अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और कहीं से वीडियो में आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना। बस आज के लिए पे लेता हूं, तब तक ख्याल रखिएगा।